हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। मैं आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ, जो कि जैसा कि आप देख सकते हो आरपीएफ कांस्टेबल रिक्रूटमेंट 2022 को लेके बहुत सारे छात्र बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और कमेंट में पूछ रहे थे कि आरपीएफ जो भर्ती है 2022 की वो कब तक जारी हो। उसको लेके मैं आपको लेटेस्ट अपडेट बताने वाला हूँ कि कब तक आपकी भर्ती जारी होगी, एज लिमिट क्या रहने वाली है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, पूरी डिटेल बताऊँगा, आपके फिजिकल में क्या करवाया जाएगा। जो भी मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो पसंद आए तो देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी को मैं बता देता हूँ, ये जो रिक्रूटमेंट है आपका, ये 9000 पोस्टों पे ये रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें कि आपकी पोस्ट नेम कांस्टेबल मेल और कांस्टेबल फीमेल की रहने वाली है, अलग अलग पोस्ट रहने वाली है, अलग अलग लेवल वाइज। इसमें जो कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिवाइड कर दी गई, 4500 मेल कैंडिडेट और 4500 फीमेल कैंडिडेट की ये भर्ती रहने वाली है। अप्लाई मोड जो रहेगा इस भर्ती के लिए ऑनलाइन रहेगा, ऑनलाइन आप सभी लोग आवेदन कर सकते हो। ऑल इंडिया से कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल है, दोनों अप्लाई कर सकते हो ऑल ओवर इंडिया से। अब बात करें पे लेवल की, पे लेवल को आपको बता देता हूँ 21,000 से आपकी स्टार्टिंग रहेगी। वही बात करें एज लिमिट की, एज लिमिट आपके 18 से 25 मांगी गई है, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए 18 से 28 और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 18 से 30 एज लिमिट रहने वाली है। अब फिज़िकल स्टैंडर्ड में क्या मांगा गया है, फिज़िकल में आपकी हाइट क्या मांगी गई है, आपकी 165 सेंटीमीटर मांगी गई है मेल कैंडिडेट से, वहीं फीमेल कैंडिडेट से 157 मांगी गई है। नॉर्थ जोन वालों को रिलैक्सेशन दे रखा है, मेल कैंडिडेट 162 और फीमेल 150 रहने वाली है। वहीं बात करें चेस्ट ओनली मेल कैंडिडेट की मांगी गई है, जो कि 80 से 85 रहने वाली है और एसटी कैंडिडेट को छूट है, 77 से 82 उनकी चेस्ट मांगी गई है। वहीं बात करें फिज़िकल में रनिंग की, रनिंग आपकी 1600 मीटर 5 मिनट 45 सेकंड, हाई जंप 4 फीट और लॉन्ग जंप आपकी 14 फीट। वहीं बात करें फीमेल कैंडिडेट के लिए जो रहने वाली है, 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड दे जाएंगे, 3 फीट हाई जंप और 9 फीट आपकी लॉन्ग जंप रहने वाली है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, 10वीं 12वीं और ग्रेजुएट आप एलिजिबल हो, इसके लिए अप्लाई कर सकते हो इस भर्ती के लिए। वहीं बात करें ये भर्ती आपकी कब से स्टार्ट होने वाली है, भर्ती के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो ये आपके सारे डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हो डोमिसाइल कास्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड। वहीं बात करें सिलेक्शन प्रोसेस कैसा रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, फिर फिज़िकल स्टैंडर्ड रहेगा, फिर फिज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है। वहीं बात करें सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस आप देख सकते हो जनरल अवेयरनेस के 50, जनरल इंटेलिजेंस के 35, अर्थमेटिक के 35, 1 घंटा 30 मिनट आपको दिए जाएंगे पेपर के लिए। वहीं बात करें आपका ये ऑनलाइन टेस्ट होगा कंप्यूटर बेस्ड। अब ये रिक्रूटमेंट को लेकर सवाल है कि रिक्रूटमेंट आपका कब से स्टार्ट होगा, तो रिक्रूटमेंट को लेके जो लेटेस्ट अपडेट बताई जा रही है कि आपका जो ये रिक्रूटमेंट है, ये आपका अप्रैल लास्ट वीक या मार्च मई फर्स्ट वीक तक ये आपका रिक्रूटमेंट आपको मिल जाएगा। इसको लेके आपको ऑफिशियल अपडेट जो है आरपीएफ की तरफ से जारी की जाएगी, जो कि आरपीएफ की ऑफिशियल साइट है www.rpf.gov.in, उस पर आपको ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा आपको नोटिस। अभी तक इसको लेके ये डिटेल दी गई है कि इनकी तरफ से भर्तियां निकाली जाएगी, जो कि आरपीएफ की 9000 पोस्ट को लेके है। अभी तक इसका ऑफिशियल कोई भी वो नोटिस जारी नहीं किया गया है, जो कि इसकी ऑफिशियल साइट पे कोई भी अभी नोटिस नहीं आया। जैसी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, चैनल बनाए सब्सक्राइब कर दें।